Welcome to Arvind Singh Academy, and I am here to discuss today about something about self expectation, expectation of parents, expectation of relatives, friends, and also expectation about self. आज के दौर में हर एक आदमी की किसी न किसी से एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन जो है वो क्रिएटिविटी पे भारी पड़ रहा है. एक्सपेक्टेशन जो है वो ग्रोथ पे भारी पड़ रहा है. एक्सपेक्टेशन जो है वो सक्सेस पर भारी पड़ रहा है. एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस पर भी भारी पड़ रहा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा करते हैं किसी से भी, अपने से भी, कि जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता. यूजुअली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये हमारी परफॉर्मेंस को डिरेल कर देती है. एक्सपेक्टेशन कैसे परफॉर्मेंस को डिरेल करती है? फॉर एग्जांपल, एक छोटे से बच्चे का, बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि मेरा जो भी कार्यक्रम है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए से ही एग्जाम्पल देना ज़्यादा अच्छा है. एक स्टूडेंट को मैं अगर कहता हूँ कि तुम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ, तो वो टाइम टेबल ऐसे बनाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सिंसियर हैं वो ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि जैसे उसमें सांस लेने की भी फुर्सत ना हो. बनाएगा तो टाइम टेबल ऐसे बना देगा जैसे 13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ने का उसमें शेड्यूल होगा, और अपने आप से उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं ये 16 घंटे का टाइम टेबल पूरा करूंगा. मैं बहुत सिंसियर आदमी हूं, मैं सुबह 5 बजे जगूंगा और बैठ के 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ूंगा. लाइक दिस, उसने इस कदर एक्सपेक्टेशन अपने आप से पाल ली टाइम टेबल बनाने के दौरान कि मैं 16 से 18 घंटे एक दिन में स्टडी करूंगा ही करूंगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए. लेकिन ये एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि ये एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता. नतीजा क्या होता है कि जो भी प्लानिंग की गई है उस पर से आत्मविश्वास डोल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस डोल जाता है कि मैं इस काम के लायक ही नहीं, मैं किसी लायक नहीं, इस काम के लायक ही नहीं बल्कि मैं किसी लायक नहीं. धीरे 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 ऐसे जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपनी द्वारा की गई कमिटमेंट अपने आप से पूरा ना होने की स्थिति में लोग जो जेन्युइन हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कार्य क्षमता घटती है, आत्मविश्वास घटता है, और अपने ऊपर से धीरे धीरे भरोसा भी कम होते जाता है. इसलिए एक्सपेक्टेशन हमेशा लिस्ट रखनी चाहिए. किसी की एक्सपेक्टेशन है मैं जा करके 90 क्वेश्चन करके आऊंगा, 100 में से 95 करूंगा, मैं पूरे कर दूंगा, तो ऐसी स्थितियां आती है, और जाके जब आप पूरा नहीं कर पाते, आप 40 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, 50 ही कर पाते हैं, आप 60 कर पाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास डोलने लग जाता है कि अरे मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरे से तो मैं उम्मीद किया था कि मैं 100 करके आऊंगा और मेरे से तो अभी 60 ही हुए हैं. उसके दुख का कारण होता है, वो दुखी हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका आत्मविश्वास डोल जाता है. नतीजा ये है कि वो अभी और 10 क्वेश्चन कर पाता जो कि वो कर नहीं पाता, उसकी कार्य क्षमता पूरी तरह से प्रभावित होती है. मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी को अपने आप से या किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन हमेशा लिस्ट रखनी चाहिए. अगर उससे कुछ ज्यादा बेहतर हो तो और ज्यादा खुशी मिलेगी, इंथुजियाज्म बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नतीजा ये होगा कि आप कुछ और बेहतर करके आ पाएंगे. जैसे कंपटीशन की दुनिया में आजकल कोई एग्जाम देने जाए तो ऑलमोस्ट आजकल के जितने भी एग्जाम हैं 50% से लेकर के 70% तक में लगभग सारे एग्जाम में रिजल्ट हो जाते हैं. 50% एक जेन्युइन टारगेट है, ये मान के चले एग्जाम के नेचर के हिसाब से कि हम ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो 50% हमको मार्क्स चाहिए, और 50% मार्क्स फॉर एग्जाम्पल IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ तो 35 से 40% पर ही सिलेक्शन हो जाता है,
सिविल सर्विसेज मैन के एग्जाम में लगभग 30% नंबर पे सिलेक्शन हो जाती है, 30-35% के आसपास। इसी तरह से एसएससी का एग्जाम अगर कोई देने जाता है तो लगभग आजकल मेरिट थोड़ी हाई चल रही है, 70% के आसपास पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यही उम्मीद करके जाएं कि हम बेहतर करेंगे, कितने करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हम अपनी ओर से बेहतर करेंगे, जो भी होगा हमारी ओर से बेहतर होगा, बेस्ट होगा। नंबर की संख्या को छोड़ करके हम जाएं, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें, हमने पढ़ा है, आत्मविश्वास ऐसी होनी चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि हमने पढ़ा है और मैं जो भी करके आऊंगा वो बेहतर होगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी लेवल पर ले जा सकती है। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश रोकने में, बारिश में खड़े होने में, बारिश के दौरान अपने आप को बचाए रखने का एक साहस अवश्य देता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन यह संघर्ष करने का साहस जरूर देता है। इसलिए आत्मविश्वास अपने आप पे होना चाहिए कि मैं करूंगा वो बेहतर करूंगा। एक्सपेक्टेशन लिस्ट रखें, ज्यादा अगर करते हैं तो अच्छी बात है। जैसे पहले उदाहरण में मैंने लिया था कि अगर कोई बच्चा ये 18 घंटे के शेड्यूल के बजाय 8 घंटे का शेड्यूल बना के रखे कि 8 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है और 8 घंटे से अगर मैं ज्यादा कर पाया तो और अच्छी बात है, तो अगर वो 10 घंटे पढ़ाई करेगा तो ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन अगर वो 8 घंटे 15 घंटे का शेड्यूल बना के और 12 घंटे भी पढ़ के रहेगा तो दुखी रहेगा, वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं उतर पाया, उसे आत्मविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि उसने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था, जो कमिटमेंट किया था, जो शेड्यूल बनाया था, उसको पूरा नहीं कर सका। इसलिए जरूरी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से कम होनी चाहिए। बड़े बच्चों की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, आज मैं ये पूरा रात बैठूंगा और पूरी की पूरी ये किताब खत्म कर दूंगा, मैं पढ़ के उठूंगा। ठीक है, ये सोचना एक अलग बात है, लेकिन आप ये सोचेंगे मैं पूरी किताब ही पढ़ के उठूंगा, ये थोड़ा सा अतिरेक है, ये थोड़ा सा जाती है अपने आप से। आप सोचे ठीक है आज मैं इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायद जितना पढ़ पाऊँ उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको कुछ ना कुछ तो जरूर एक मंजिल तक पहुँचाऊंगा, मैं पढ़ पाऊंगा एक आधी किताब तो कम से कम कोशिश रहेगी कि खत्म करेंगे। अगर आप पूरी किताब खत्म कर पाते हैं तो आपको खुशी होगी। खुशी हर एक स्टेज पर जरूरी है, आपको अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए जरूरी है खुश रखना। सफलता आपको अपने आप से अपने ही है, अपनी प्रतिस्पर्धा से है, आपको किसी और से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी हैं अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सही हैं, ये जब तक आपका विश्वास रहेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ये सोचे कि जो लोग भी हमारे आसपास हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं भी उनसे अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूं। एक बार अपने आप को सवासी दे के देखें, आपको अच्छा लगेगा। जो भी आप अच्छा काम करें खुद को थैंक्स बोलें, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैंने अच्छा काम किया है। आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली है, आप थोड़ा अपने आप को शाबाशी दें कि हाँ मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा किया मैंने। आपको अलग से फिर पढ़ने का प्रेरणा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा दूसरों से ना करें, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं है, खुद से प्रतिस्पर्धा करें, खुद से कमिटमेंट करें, लेकिन ये कमिटमेंट लिस्ट होना चाहिए, ये कमिटमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरों से भी आप अपेक्षा करते हैं तो दूसरों से भी आप जो अपेक्षा करते हैं वो कम से कम होना चाहिए, लगभग ना के बराबर। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक एक कथा सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं। एक आदमी अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा कष्ट सह के अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके एक बड़ा ऑफिसर बनाया। बेटा उसका बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, उसकी सैलरी लाखों में थी। आदमी रिटायर होकर के अपने समाज में, अपने गांव में गया और उससे गांव के लोगों ने कहा कि हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं,
इसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। वो आदमी गांव में चूंकि अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहता है, सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने बेटे से मांग के आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा चंदा, और 1,00,000 रुपये मैं इस सामाजिक कार्य में सहयोग करूंगा। चूंकि वो रिटायर हो चुका है, उसके सारे पैसे जमा पूंजी अपने बेटे को पढ़ाने में लग चुका है, अतः उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने एक उम्मीद पान ली, उसकी एक एक्सपेक्टेशन थी अपने बेटे से कि मैंने अपने बेटे से पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, हम 1,00,000 रुपया मांगेंगे तो मुझे दे देगा। उसने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा ऐसा है कि मुझे, मैंने सामाजिक कार्य के लिए कमिट किया है अपने सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने पंचायत में, कि मैं 1,00,000 रुपये का डोनेशन दूंगा, आप मुझे 1,00,000 रुपये भेज दो। बेटा चाहे कितना भी कोई कमाता हो, सबके अपने खर्चे होते हैं, अपने स्टेटस होते हैं। बेटा भी सोचने लगा, पिताजी पूरी जिंदगी मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, कितने कष्ट सहे, आज वो 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं, वो 1,00,000 रुपये देना चाहता है, लेकिन उसके पास 1,00,000 रुपये नहीं। फिर क्या किया उसने, बहुत कोशिश करके, बहुत मुश्किल से उसने मैनेज करके 50,000 रुपये पिताजी को भेज दिया। पिताजी को 50,000 रुपये मिले तो उनको बहुत दुख हुआ, 50,000 रुपये लेकर के उनको दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 1,00,000 की थी, और 1,00,000 रुपये ना मिलने की वजह से वो दुखी थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा, इतना ऊंचे पद पर पहुंचाया, उसकी इतनी अच्छी सैलरी है, फिर भी 1,00,000 रुपया मैंने मांगा तो उसने नहीं दिया। नतीजा ये है कि पिताजी 50,000 रुपये पा करके भी दुखी हैं, और 50,000 रुपये दे करके भी दुखी हैं सोसाइटी को, क्योंकि उन्होंने 1,00,000 रुपये की कमिटमेंट कर रखी है, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनका बेटा 1,00,000 भेजेगा। बेटा भी 50,000 भेज के पिताजी को दुखी है, क्योंकि वो देना चाहता था 1,00,000, उसकी उम्मीद थी कि मैं पिताजी को 1,00,000 दे काश दे पाता, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, लेकिन मैं 50,000 ही दे पाया, इसलिए वो भी दुखी है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 1,00,000 रुपये दे पाता। नतीजा ये 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुई, और दोनों के दोनों दुखी। इसके विपरीत परिस्थिति समझते हैं, अगर पिताजी ने ये कहा होता कि बेटा से मैं पूछता हूं, अगर उसके पास कुछ पैसे होगा तो मैं जितना हो सकेगा आपको इस सामाजिक कार्य में अवश्य कंट्रीब्यूट करूंगा, और उन्होंने बेटे को कहा होता कि बेटा मैंने सामाजिक कार्य में कुछ काम भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे भेज दो तो बढ़िया रहेगा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भेज दो। ये बात कहते ही बेटे को लगता पिताजी पहली बार मुझसे कुछ मांग रहे हैं, और हो सकता है कि वो उसी तरह से अरेंज करके 50,000 रुपया पिताजी को भेजता, तो उसे लगता कि लो पिताजी ने मुझसे कहा कुछ पैसे हो तो भेज देना, और मैंने उनको 50,000 रुपये भेज दिया है इस काम के लिए, वो खुश रहता कि पिताजी ने हमसे क्या जवान खोली, और उन्होंने कहा मुझसे, मैंने 50,000 रुपये भेज दिया, खुश होता, खूब खुश होता। पिताजी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा कुछ भेज पाएगा बहुत ज्यादा, 50,000 रुपये रिसीव हो करके वो भी बहुत खुश होते कि बेटा ने मेरा 50,000 रुपया भेजा, मैंने तो उसे कुछ ही भेजने के लिए कहा था, उसने मेरे लिए 50,000 रुपया भेजा। सेम ट्रांजेक्शन 50,000 की हो रही है, पहली परिस्थिति में दोनों लोग दुखी हैं, दूसरी परिस्थिति में दोनों लोग खुश हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से या किसी और से कम होगी तो जो आउटपुट जो भी आएगा वो अच्छा होगा, और उसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। आजकल देख रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन पाल रखे हैं, उनकी कैपेबिलिटी जितनी नहीं है उससे कहीं बड़ा एक्सपेक्टेशन है जो अनरियलिस्टिक है, जिसको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती वो बहुत बड़े IAS बनने का ख्वाब देख रहा है, जिसको SSC का क्लर्क ग्रेड क्लियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है वो भी IAS बनने की तैयारी के जुगाड़ में लगा है। प्रतिस्पर्धा करे तो कैसे, अपने विश्वास को पहले अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, आपकी वीकनेस कैसी है,
जब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप जो भी करेंगे वो सही दिशा में नहीं होगा। और एक बार आप अपने आप को गलत समझने लग गए तो आई एम श्योर कि आप जो भी करेंगे वो गलत ही होगा, वो अच्छा नहीं हो सकता, उसका आउटपुट गलत होगा, उसका सब कुछ गलत होगा। जब एक बार अपने आप को आप सही से समझ पाए तो आप जो भी करेंगे संभवतः वो सही ही होगा, क्योंकि आप सही हो, आप अपने आप को सही तरीके से समझते हो तो आप जो भी करोगे उसमें सही होगा, उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आपने पूरी दुनिया समझ ली और अपनी आप को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, आप अज्ञानी है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा बड़े महापुरुष कह गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने आप को नहीं समझा तो आप सारी दुनिया को नहीं समझ सकते, आप तब भी अज्ञानी हैं। पहले अपने आप को समझें, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, हम किस एग्जाम के लिए अभी उपयुक्त हैं, हम आगे कितना कर सकते हैं, उसके आधार पर अपने कैरियर का चुनाव करें तो आपको सफलता मिलेगी। अनरियलिस्टिक, बहुत बड़ा एम्बिशियस होने से, बहुत एम्बिशियस होने से, बहुत बड़ा ड्रीम पाल लेने से दीवा स्वप्न की तरह ही रह जाएगा। आप बड़ा ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ आधार होने चाहिए। आप कितना एग्जिस्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाएं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही बार लंबा प्रोग्राम बनाने से, लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेने से बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाती। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, जब वो हो जाए खुश हो जाएं, थोड़ा और बड़ा प्रोग्राम बनाएं, फिर हो जाए और खुश हो जाएं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेवलप करते जाएंगे आपकी खुशी दुगनी होती जाएगी और आपका ग्रोथ भी उसी हिसाब से डेवलप होता जाएगा। तो ये अपने आप पे विश्वास रखें कि आप जो हैं वो अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। ये एक आत्मविश्वास है, मैं श्रेष्ठ हूं, यह एक आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये एक अहंकार है। तो बहुत बारीक लाइन है, आप इस लाइन को समझे, मैं श्रेष्ठ हूं ये जरूरी है समझना अपने आप को, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये बिल्कुल नहीं दिमाग में आना चाहिए। आप जब तक इस बात को समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए आप समय रहते समयबद्ध तरीके से अपने प्लानिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और काम करें। दूसरे लोग क्या कहते हैं, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं, आप समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, सही दिशा में आप काम कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने काम करते रहें, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। दीपक को अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, दीपक खुद नहीं बोलता, उसका प्रकाश बोलता है। इसी प्रकार से आप क्या कर रहे हो ये आपका काम बोलेगा, आपका फ्यूचर में वर्क बोलेगा, आपकी स्ट्रेटजी बोलेगी, आपका आउटपुट बोलेगा, आपकी पोजीशन बोलेगी, आपका सक्सेस बोलेगा। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप पहले अपने आप को पहचाने, अपने सेल्फ रियलाइजेशन को देखें, कि सेल्फ रियलाइज करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाएं, छोटी छोटी स्ट्रेटजी बनाएं, लिस्ट एक्सपेक्टेशन रखें अपने आप से, आत्मविश्वास में कमी ना रखें, जो भी आपने प्लान बनाया उसको पूरी तरह से कमिटमेंट करके पूरा करें, सेल्फ कमिटमेंट कभी फेलियोर नहीं होनी चाहिए, और उससे जब ज़्यादा आप करेंगे तो आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, खुशी मिलेगी, और खुशी सक्सेस की गारंटी है। मैं ये कह सकता हूँ, जो लोग दुखी रहते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं, अपने काम से संतुष्ट रहें, अपने काम से खुश रहें, तो आगे काम करने की प्रेरणा अवश्य मिलती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को पहले पहचानें, अपनी स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर डिसाइड करें और उस पे काम करते रहें, काम करते रहें तब तक जब तक कि आप अपने गोल को अचीव न कर लें।
दूसरा कोई क्या कहता है इस बात को बहुत महत्व न दें। आप समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, अहंकार के रूप में नहीं, गलत डायरेक्शन के रूप में नहीं। एक बार तो डिसाइड करना ही पड़ता है कि हम क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस खुद के लिए जरूरी है, ये खुद से भी जरूरी है। लेकिन जब तक ये आप समझते रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस करते हुए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मेरा डायरेक्शन सही है, मेरा रास्ता सही है, लेटर और सुनर आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का ये वक्तव्य पूरा करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे अवश्य लाभान्वित होंगे और अच्छे कार्य करने के लिए आपका आत्मविश्वास आपको हमेशा जागरूक रखेगा। थैंक यू वेरी मच।